हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, शहीद नास को नींद आ गई आगोश खंजर में। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दुआलम में उजाला कर दिया। हजरात गिरामी, 1400 बरस पहले करबला की सरजमीन पर इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए और मुसलमानों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी को गैर महफूज इलाकों के हवाले कर दिया था। आज उस शहीद नाज की बारगाह में हम सलाम पेश करने जा रहे हैं। ऐसा शहीद जो रसूल अल्लाह के इश्क का कतील है, ऐसा शहीद जो इस्लाम की आबरू करबला में बन गया है, ऐसा शहीद जो फातिमा के आंचल की आँ लाज रख रहा है करबला में, ऐसा शहीद जो अबू बकर की सदाकत का परतव बना है करबला में, ऐसा शहीद जो उमर की अदालत की गम्माजी कर रहा है करबला में, ऐसा शहीद जो उस्मान की सखावत को सामने रख कर अपने बेटों के खून से इस्लाम की नहर को जारी कर रहा है, ऐसा शहीद जो हजरत अली की शुजाअत के अज़्म को सामने रख के आ रहा है, ऐसा शहीद जो सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बनकर हसन की सूरत दिखला रहा है, ऐसा शहीद जो गाजियाने इस्लाम की अमानत को करबला की धरती से अहले इस्लाम के सामने पेश कर रहा है, उसकी बारगाह में किसी खिराज अकीदत पेश करने वाले ने सही खिराज पेश किया है। शहीदों को तो होना चाहिए नज़ा शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। इस्लाम की इज्जत का सवाल है, यजीद अपनी फिक्र और नजर के जरिए अपने वजूद का लोहा मनवाना चाहता है, हुसैन अपने अकीदा और अमल के जरिए इस्लाम की अजमत का लोहा मनवाना चाहते हैं। एक तरफ यजीदी लश्कर जुल्म का समा पेश कर रहा है, दूसरी तरफ हुसैनी सिपाही सब्र की यलगार पेश कर रहे हैं। आज तो दुनिया, आसमान के फरिश्ते भी अशरफुल मखलूकात की अफजलियत देखने को उतरे हैं और इंसानों के रूप में छुपे हुए शैतानों की बदतरी का भी जायजा ले रहे हैं। करबला में हुसैन बे आबो गियाह मैदान में खड़े हुए हैं, मगर मुसलमानों में तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने नाना की रवायतों के अमीन को जरा देखो। पैगंबर का ये नाइब हर कदम पर इस्लाम की अजमतों का चिराग जलाने के लिए अपने नाना की सुन्नत पे अमल किस तरह करता है। नाना और नवासे के किरदार को मुलाहिजा कीजिए। नाना का कैरेक्टर ये है कि नाना अजमत इस्लाम के लिए मक्का छोड़ रहे हैं, नवासा तकद्दुस कुरान के लिए मदीना छोड़ रहा है। इमाम हुसैन ने कूफा की सरजमीन पर
आए हुए खतूत का भी जायजा लिया। गद्दारा ने कूफा से अलग निकलकर हुसैन मायूसियों के माहौल में अपने को मजबूर नहीं पाते बल्कि जहन देते हैं कि मुसलमानों, दुनिया अगर इस्लाम से गद्दारी करे तो कोई बात नहीं, तुम अकेले भी दुनिया में रहो तो सच्चाई से मत फिरना। यजीदियों की तरफ से 3 शबाना रोज पानी बंद है। 7वीं मुहर्रम को अम्र इब्ने साद 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर करबल की धरती पर खेमा जन होता है। 3 दिन तक हुसैन आजम का पानी बंद है, खाना बंद है। पानी क्यों बंद कर दिया गया है अहले बैत पर, खाना क्यों बंद है अहले बैत पर, जिंदगी की सांस लेना करबला में क्यों दूभर है, इंसान जुल्म सितम का पैकर क्यों बन गया है, चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरों पर जुल्म जबर की गुबार क्यों डाले जा रहे हैं, सकीना को पानी से मजबूर क्यों किया जा रहा है, असगर को तिश्नगी के लिए महबूस क्यों किया जा रहा है, अकबर की जवानी को घुलाया क्यों जा रहा है, कासिम की गर्दन जदनी का बेड़ा क्यों उठाया जा रहा है, अब्बास के दस्त बाजू के तीर क्यों चलाए जा रहे हैं, मुस्लिम इब्ने अकील को क्यों शहीद किया गया है, शहीद इब्ने शहीद अला जद्दही व अलैहि सलाम के खून के लोग प्यासे क्यों हैं। सिर्फ एक मसला है, यजीद मुस्लिम बिस्मिल्लाह में इंटरफेयर चाहता है, यजीद इस्लामी शरीयत का तबीयत से तबादला चाहता है, यजीद रसूल अल्लाह के दीन मुबारक पर अपनी तबीयत का कानून लादना चाहता है, यजीद शराब की हुरमत को हिल्लत में बदलना चाहता है, यजीद सूदखोरी को आम करना चाहता है, यजीद नफ्स के बंदों को आजाद करना चाहता है, यजीद कुरान अजीम के कानून को बैंड करना चाहता है, यजीद अपनी कमीनगी का मुजाहरा करके शराफत को दरगोर करना चाहता है। तो मैं यूं कहूं कि आज करबला के मैदान में यजीद हुसैन की शक्ल में जो जंग बरपा है, देखोगे तो यजीद हुसैन नजर आएंगे, मगर यजीद में देखोगे तो जुल्म नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो सब्र नजर आएगा, यजीद में देखोगे तो बदतरी नजर आएगी, हुसैन में देखोगे तो सरवरी नजर आएगी। गरज ये कि आज जुल्म से सब्र का मुकाबला है, सब्र से जुल्म का मुकाबला है। मामला सिर्फ एक नकाती प्रोग्राम पर रुका हुआ है, यजीद हुसैन से बैअत लेना चाहता है, मेरी हुकूमत की तस्दीक कर दो हुसैन। और हुसैन का हाथ अकेला नहीं है, कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले मुसलमानों का ये नुमाइंदा हाथ है, रसूल अल्लाह के दीन मुबारक का तर्जुमान हाथ है। हुसैन आजम ने कह दिया, दरिया का पानी तुमने बंद किया है, पानी हुसैन से हक्कानियत का पानी न छीन सकेगा, तुमने बाल बच्चों को जुल्म सितम का खिलौना बनाना चाहा है, तुम हमारे सब्र रजा का मैदान भी आजमा लो। यजीद ने कहा, हुसैन मैं तुम्हारा पानी बंद करूंगा तब तुम बैत करोगे, हुसैन ने कहा मैं पानी के बगैर मर जाना पसंद करूंगा, बैत नहीं करूंगा, यजीद ने कहा हुसैन अली असगर छीन लिए जाएंगे तब तुम हमारे सामने झुकोगे, हुसैन ने कहा जाने अली असगर के जाने के बाद भी हुसैन के इस्तकामत में आप कदम लफ्ज़ से पाका निशाना न बन सकेंगे। आज जमाना ये मैदान कारजार में तमाशा देख रहा है, अर्शियों की भीड़ भी लगी है करबला में, फर्शियों की भीड़ भी लगी है करबला में, जुल्म का कैरेक्टर भी आ रहा है करबला में, इस्लाम और सब्र का कैरेक्टर भी आ रहा है करबला में, कानून दानों की निगाह भी आज हुसैन पर लगी हुई है, जाहिलों की निगाह भी आज हुसैन पर लगी हुई है, पढ़े लिखे लोग भी हुसैन का नाम सुनते हैं, नाबीना लोग भी हुसैन का नाम
नाम सुनते हैं, मगर ऐसा कार्य ईमानी करके गुजर गए हुसैन कि जाहिलों में भी हुसैन का मातम है, आलिमों में भी हुसैन का मातम है, इंसानों में भी हुसैन का मातम है, जिन्नातों में भी हुसैन का मातम है। आप जरा देखिए, किसी ऐसी शख्सियत को इस तरह खिराज नहीं पेश किया गया जिस तरह हुसैन आजम को दुनिया में खिराज पेश किया है। जाहिल इंसान अपने ढंग से खिराज पेश कर रहा है, आलिम जमात अपने ढंग से खिराज पेश कर रहे हैं, कानूनदा अपने ढंग से खिराज पेश कर रहा है। हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम ने कहा था, काश मेरे हुसैन तुम करबला जाने के बजाय वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने तुम पर दरियाए फरात का पानी बंद कर दिया था। हुसैन सब्र के राजा हुसैन, हुसैन फजाओं में तैरने वाली फिक्र नजर के ख्वाजा हुसैन, हुसैन इल्मो अलम के बादशाह हुसैन, काश तुम करबला जाने के बजाय हिंदुस्तान आ गए होते। करबला में तो मुसलमानों ने तुम पर दरियाए फरात का पानी बंद कर दिया था, हिंदुस्तान तुम आते तो हिंदुस्तान का हिंदू तुम्हारे कदमों में गंगा जल निछावर कर देता। मालूम यह हुआ कि हुसैन ने सब्र और रजा का वो महवर पेश कर दिया है कि हिंदू भी हिंदुस्तान का हुसैन पर कुर्बान है, मुसलमान भी हुसैन की जात पर अपने वजूद को निछावर कर रहा है, कानैन का चप्पा चप्पा पुकार रहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, आज हर रब पे आ रहे हैं हुसैन, सारे आलम पे छा रहे हैं हुसैन। कौन सा कैरेक्टर था जो हुसैन इंसानों की रूह में रच बस गए हैं। आओ मैं तुम्हें बिखेते हुआ चलूं, आज यजीद कह रहा है तुम्हें हमें ऊंट देना होगा, यजीद कह रहा है हमारी बैत तुम्हें करनी होगी, हुसैन कह रहे हैं अगर तूने नाना के दीन के अमली बैत की होती तो नाना का नवासा तेरी भी बैत कर लेता, मगर ए यजीद तेरे हाथ पर बैत करने का मतलब हुआ मुसलमानों को बेच देना, तेरे हाथ पे बैत करने का मतलब हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी के दरवाजे खोलना। हुसैन ने अगर यजीद की एक बात गैर शरई मान ली होती तो आज दुनिया हमसे हजारों बातें गैर शरई मनवाती। ये अजमत हुसैनी के किरदार के फयूज और बरकात हैं कि कल हुसैन ने जिस इस्लामी लॉ के लिए अपनी गर्दन को कटाया था, इतना मजबूत अकीदा हुसैन ने दे दिया है कि 1400 बरस के बाद भी अगर इस्लामी शरीयत पर कहीं से तबीयत के मनहूस बादल छाते हैं तो हुसैनी तेगा उठता है, हुसैनी नेजा उठता है, हुसैनी जुबान खुलती है, हुसैनी कैरेक्टर सामने आता है। जब हुसैन ने गर्दन कटा के शरीयत को बचाया था और तबीयत को कबूल नहीं किया था, किसी दौर में भी हुसैन के गुलाम किसी भी हुकूमत और अदालत की तबीयत को इस्लाम की शरीयत के मुकाबले में कबूल नहीं कर सकते। यजीदियत अपना मैनिफेस्टो लेकर हुसैन के सामने खड़ी हो रही है, एक निकाती प्रोग्राम हुसैन कबूल करो, आपने कहा बैत नामंजूर है, यजीदियों ने कहा अगर बैत नामंजूर है तो फिर हल में मबारिस की सदा है। आज की रात तक इमाम और उनके साथियों को प्यासा भूखा रखा गया ताकि इमाम जब अपने बच्चों की तिश्नगी देखेंगे तो मजबूर होकर जुल्म के सामने सर झुका देंगे, इमाम जब अपने भतीजों की बेबसी देखेंगे तो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर इस्लाम के हुसैन पर सलाम और हुसैन के इस्लाम पर सलाम। गोया हुसैन इस्लाम बन गए थे और इस्लाम हुसैन बन गया था, जहन दे रहे थे हुसैन नहीं नहीं, जुल्म और सितम की हर चट्टान के सामने डटने वाला सब्र और रज़ा का पैकर इस्लामी शरीयत पर कुर्बानी देने के बाद सुबह कयामत तक पैदा होने वाले कलमा गो लोगों को ये सबक अपना जारी कर देना चाहता है कि ए लोगो, सिर्फ तुम्हारे वजूद पे मुसीबत आए तो इस्लाम का पसे पुष्ट मत डालना, ये देखो 6 माह का बच्चा भी कुर्बान कर रहा हूँ मगर इस्लाम को पीछे नहीं डाल रहा हूँ, अली अकबर का लाशा उठा रहा हूँ इस्लाम के वजूद पे खंजर नहीं चलने दे रहा हूँ, अब्बास के हाथों पैर कटवा रहा हूँ इस्लाम का कोई नुक्ता नहीं कटने दे रहा हूँ, अपने वजूद पर 72 जख्म लेने के लिए
लिए तैयार हूँ। शरीयत इस्लामिया के मुकद्दस दामन पर जुल्म और सितम का कोई तीर नहीं आने दे रहा हूँ। सलाम हो करबला के शहंशाह तुझ पर, तूने अपने आप को मिटाकर इस्लाम को अबदी जिंदगी दे दी। जिंदा हो जाते हैं जो, मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अब तक तो सिर्फ नारेबाजी थी, अब प्रैक्टिकल के मैदान में जिंदगी और मौत आंखों में आंखें डालकर आंख मचोली कर रहे हैं। जिंदगी और मौत का मुकाबला है, अफसाने को हकीकत का रूप हुसैन देने जा रहे हैं, यजीदी हकीकत को अफसाने में बदलने जा रहे हैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, करबल की धरती पर एक उसूल मुरतब हो रहा है। दुनिया अम के शामियाने में उसूले जिंदगी मुरतब करती है, हुसैन जंग शामियाने में उसूले जिंदगी मुरतब कर रहे हैं। दुनिया मुस्कुरा के वसूल का सबक सिखाती है, हुसैन लबों से तबस्सुम को रुखसत करके वसूल और रसूल दोनों का सबक सिखा रहे हैं। कौन है इनकी अजमतों की मानो मर्यादा, करबला की धरती पर अपना आखिरी फैसला अहले सितम को सुना रही है। बायत किसी सूरत में तुम्हारी नहीं की जा सकती, आज ही की रात थी, 1400 बरस पहले की बात है। रात में यजीदी फौज का दफ बसता है, तबले जंग पे हथौड़े पड़ते हैं और यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ ऐलान करता है, हल मिन मबारिज या हुसैन, ए हुसैन मैदान में जंग के लिए आ जाओ, ए हुसैन हमारे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आका मैदान में आया है, मुसलमानों उबैदुल्ला खान आजमी तुम्हें कर्बला की फिक्र नजर और एहसास की गहराइयों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि तुम करबला के मैदान से इस शहादत के उभरते हुए तेवर को देखो और जुल्म और सितम की बेमौत मर जाने वाली कयादत का भी नजारा करो कि हुसैन जिंदगी के वसूलों को हटे मुस्तकीम पर चलाने के लिए सब्र रजा का पैकर बनकर किस तरह खड़ा होता है। आकाए दो जहां के नूरे नजर में, अली के लख्ते जिगर में, करबला के मैदान में अपने आप को पेश कर दिया है। 22,000 यजीदी लश्करे चर्रार मुस्तफा के प्यारे की सूरत देख रहा है। लोगों ने हुसैन आजम को देखा और हुसैन आजम ने कहा, ए लोगों, जो मुझे पहचानते हैं वो भी पहचाने और जो मुझे नहीं पहचानते वो भी पहचाने। मेरी शक्ल देखो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसकी शक्ल हूँ मैं, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसका किरदार हूँ मैं, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसका नूरे नजर हूँ मैं। मैं हुसैन इब्ने अली भी हूँ और मैं हुसैन इब्ने रसूल अल्लाह भी हूँ। मेरी जात के वो तेवर हैं कि मेरे नाना मुझे सूंघा करते थे, मेरे नाना मुझे जन्नत का फूल कहा करते थे, मेरे नाना नमाज में मैं पीठ पे बैठता था तो सजदा तूल कर दिया करते थे, मेरे नाना मिंबरे नबवी से उतर कर मुझे गोद में लेके खुतबे दिया करते थे, मेरे नाना मेरे रोने पर अपनी आंखों से सावन भादो की झड़ी चला देते थे। ए यजीदी फौज, तू उस हुसैन का खून गिराना चाहती है जिसके खून का एक एक कतरा सुबह कयामत तक तुझे जलील और रुसवा कर देगा। अगर अपनी जिंदगी को पहचानना चाहती है तो मेरे आईने में अफजलियत की जिंदगी देख। मेरे आईने में तूने अगर अपने को देखा तो फजीलत का ताजदार हो जाएगा, और यजीदी आईने में अपने को देख के तूने खुशी का इजहार किया तो जिल्लत और रुसवाई से हम कनार हो जाएगा। हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियों से एक सवाल किया, ऐ यजीदियों मुझे ये बताओ, तुमने मेरा पानी बंद किया है, तुमने मेरा खाना बंद किया है, मेरे बच्चों को तुमने बेबस बना दिया है, मेरी बीवियों को तुमने बेकस कर दिया है, रसूल अल्लाह का गुलशन तुम उजाड़ने के चक्कर में हो, फातिमा का आंचल तुम फाड़ने के चक्कर में हो, जैनब की चादर तत्हीर तुम लूटने के चक्कर में हो, शहरे बानो के वकार को तुम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, आले मोहम्मद के वजूद को तुम मिटाने की सही कर रहे हो, जिसने तुम्हें हयात अबदी का फलसफा समझाया था उसी की औलाद को तुम मौत के मुंह में डालना चाहते हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, तुमने मेरा पानी बंद किया है, तुमने जुल्म और सितम के तीरों से हुसैन इब्ने अली को घेर लिया है, ये तो बताओ यजीदियो, क्या मैंने नाना का कलमा कभी छोड़ा? यजीदियो ने कहा, नहीं। आपने कहा, क्या मैंने कभी नमाज पंज वक्ता छोड़ी? यजीदियो ने कहा, नहीं।
आपने फरमाया ये बताओ क्या मैंने कभी हज व ज़कात व फर्ज रोजा और जिहाद से मुंह मोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। खूब अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश करना। हुसैन पूछते हैं क्या मैं इस्लाम का बागी हो गया? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैं रसूल अल्लाह की सुन्नत का तारिक हो गया? वो कहते हैं नहीं। आप फिर पूछते हैं कि मुझे ये बताइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र नजर से क्या मैंने कभी मुंह मोड़ा? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैं कभी झूठ बोला? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं क्या मैंने कभी किसी पे जुल्म किया? आवाज आई नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत की? आवाज दश्त जबल करबला में गूंजी नहीं। हुसैन पूछते हैं ये बताओ जब मैंने जुल्म नहीं किया, शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, बुराइयों को हाथ नहीं लगाया, जिना और शराब के करीब नहीं गया, इंसानियत का खून नहीं किया, तुम्हारी फिक्र नजर को पायमाल नहीं किया, तुम्हारी आबरू रेजी नहीं की, तो किस जुर्म में मेरा पानी तुमने बंद किया है? किस जुर्म में मुझको तुमने नंगी तलवारों के साए में घेर कर मरने की धमकी दी है? इमाम पाक ने ये सवाल किया और यजीदियों ने कहा नहीं। तो पूछा कि क्यों मुझे मारने पे तुले हुए हो? यजीदी कहते हैं आप यजीद की खिलाफत कबूल कर लीजिए, आपको जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। तो तुम सुन लो फैसले। हुसैन ने यजीदियों से कुछ सवाल किए थे और हर सवाल पर यजीदियों ने नहीं किया था। हुसैन ने पूछा था क्या मैंने रसूल के दीन से बगावत की? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैंने झूठ और बुराइयों में हिस्सा लिया? यजीदियों ने कहा नहीं। आप कहते हैं फिर मुंह ने मेरा पानी क्यों बंद किया? यहीं से मिजाज मिला। पानी उसका बंद करो जो शरीयत का बागी हो गया हो, खाना उसका बंद करो जो रसूलुल्लाह की शरीयत का दुश्मन हो गया हो, सजा उसको दो जो नबी मोहतरम से अदावत रखता हो, जिहाद उसके साथ करो जो रसूल अल्लाह के दीन को अपनी तबीयत में बदलने की नापाक सही करता हो। मेरे हुसैन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका तुम्हारे दर का गुलाम उबैदुल्लाह खान आजमी भरे मजमे में तुमसे सवाल कर रहा है। मेरे हुसैन मुझे बताओ इन यजीदियों से ये सवाल करने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? तो सुनो कानून फितरत और रसूल अल्लाह की फितरत और कुदरत के अंदाज को निगाह के सामने रखो। हुसैन जहन दे रहे हैं ए मुसलमानों मैं ये सवाल न करता तो ये सवाल किसके लिए होता? मेरे नाना ने मुझे फरमाया था हुसैन मिन्नी अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन का कौल मेरा कौल है, मेरा कौल हुसैन का कौल है, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है, मेरा किरदार हुसैन का किरदार है, हुसैन का खून मेरा खून है, मेरा खून हुसैन का खून है। तो तबलीग इस्लाम के लिए क्या ये मुसलमानों तुम्हें याद नहीं? अगर याद नहीं तो शहीद आजम कहता है इस्लाम के चैप्टर को तलाश करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पे निगाह रखो। नबी कौनैन ने जब कलमे का आगाज किया था तो कूहे सफा पे नबी खड़े हो गए थे और हुजूर ने मक्के वालों से कहा था ये मक्के वालों मेरे पास आओ। मक्के के लोग जब इकट्ठा हुए तो नबी ने कहा था मुझे ये बताओ मैं बुलंद मकाम पर खड़ा हुआ हूँ, मुझको बताओ मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह ने काफिरों से पूछा बताओ मैं कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। पूछा मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? खूब अच्छी तरह समझना मुसलमानों। पूछा नबी ने कभी मैंने जुल्म किया? कहा नहीं। काफिरों से नबी ने पूछा मैंने अमानत में कभी खयानत की? कहा नहीं। नबी ने पूछा क्या मैंने कभी किसी को सताया? कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने ये सब पूछा और जब अपने कैरेक्टर की जमानत कुफार से ली मेरे आका ने तब मेरे नबी ने कहा फिर मुझे बताओ क्या मैं कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। तो हुजूर ने कहा सुनो तो मेरी सच्ची आवाज सुनो, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, बातिल राह पे मत चलो। वहीं से नबी पे तीर चलने शुरू हुए, नबी को दुनिया ने गाली दिया। तो इमाम हुसैन कहते हैं ए लोगों मेरे नाना ने पहले अपना कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने पेश किया था और दुश्मनों ने अपनी जुबान से मेरे नाना के कैरेक्टर की जमानत दी थी। दुश्मनों ने मेरे नाना को एलाने नबूवत से पहले सादिकुल वादुल अमीन कहा था और जब मेरे नाना ने नजरियाते हक्का की वकालत की तो दुनिया ने नाना को गाली दी। नाना ने यह मिजाज दिया था ए हुसैन जब भी दुश्मनों में देखना कि दीन फंसा हुआ हो तो पहले अपने कैरेक्टर की जमानत दुश्मनों से ले लेना। अगर नबी को कत्ल भी कर देते कुफार तो तारीख हिस्ट्री ये बोलती कि उन्होंने मुस्तफा को कत्ल किया।
किया था, जिन लोगों ने रसूल अल्लाह को सादिकुल वादुल अमीन कहा था, और आज भी हिस्ट्री ये बोल रही है कि उन लोगों ने रसूल को मक्के से निकाला था जो रसूल को अमीन कहते थे, आज भी तारीख ये बोल रही है कि उन लोगों ने नबी के ऊपर ताइफ में पत्थरों की बरसात की थी जो रसूल अल्लाह को कौनैन का सबसे बड़ा अमीन और रात गो मानते थे। हुसैन जहन दे रहे हैं, उसी नाना का मैं नवासा हूँ। यजीदियों से पूछते हैं क्या मैं कभी झूठ बोला, यजीदी कहते हैं नहीं। क्या मैंने कभी कोई बुराई बेहयाई की, यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन ने जहन दिया, ए लोगों मुझे मालूम है कि मेरी शहादत इन लईनों के हाथों से होने वाली है, मगर दुनिया की तारीख में अपना कारनामा तो छोड़ जाऊं ताकि जब कल का मुसलमान और कल का इंसान मेरी तारीख बयान करे तो साथ साथ ये भी बोले उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की सच्चाई की शहादत दी थी, उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की अमानत की सच्चाई की गवाही दी थी। देख तो रहे हो कर्बला की सरजमीन पर मेरा आका किस ढंग से अपने मकासिद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। सलाम ओ है हुसैन, तूने सदाकत की लाज रखी है। ये खुतबा देके इमाम अली मकाम बाहर निकलते हैं और आने के बाद आपने यजीदियों से कहा, सुनो इत्माम हुज्जत के लिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे जंग मत करो, खसारे में रहोगे, अल्लाह रसूल के सामने झुक जाओ। यजीदियों ने कहा, हुसैन तुम्हें यजीद के सामने झुकना होगा। हुसैन ने कहा, मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ज़ुल्म और सितम की दहलीज पर हुसैन के नाना ने सजदा करने का कोई सबक हमको नहीं पढ़ाया है। अमानतों का बादशाह खड़ा हुआ और उसने कर्बला के मैदान में यजीदियों को मुखातब करके एक ऐलान किया, ए यजीदियों है कोई तुम में जो मेरा साथ दे दे। हुसैन ने ऐलान किया था, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे। अब यहीं से आपका उबैद आपके जहन को टन दे रहा है, मुझे ये बताओ, एक तरफ तो हुसैन यजीद की किसी मदद को लेने के लिए तैयार नहीं, यजीद के मुकाबले में मरने मारने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ यजीदियों ही से कहते हैं हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे। ए मेरे इमाम, इन यजीदियों ही से अगर आपको मदद मांगनी थी तो आपने यजीद से क्यों नहीं मदद मांग लिया, सबसे बड़ा बादशाह आपको मदद करने के लिए तैयार था, यजीदी फौज से आप मदद क्यों मांग रहे हैं। तो हुसैन कहते हैं नहीं नहीं, हल मिन मुगीसिन युगीसना का मफहूम तुम समझो, मैं मदद मांग रहा था इसलिए नहीं कि आओ मेरी जान बचाओ, मैंने तो शहादत का फैसला कर लिया था। यजीदियों में से मैं पाकीजा और सादत मंद रूहों को आवाज दे रहा था, है कोई जो मेरी मदद करे। क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि है कोई जो शहादत में मेरी मदद करे, है कोई जो इस्लाम के ताउन में मेरी मदद करे, है जो ये अल्लाह के दीन की नुसरत में मेरी मदद करे, है कोई जो गर्दन कटाने में मेरी मदद करे, है कोई जो सर बिछाने में मेरी मदद करे, है कोई जो तलवार सीने पे इस्लाम के लिए लेने में मेरी मदद करे, है कोई जो यजीद की जेल में जाने में मेरी मदद करे, है कोई जो इस्लाम की शान दिखाने में मेरी मदद करे। मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे हैं, मेरे हुसैन तू बड़ी मनमोहन सूरत लेके कर्बला में उतरा था। हल मिन मुगीसिन युगीसना का मफहूम सादत मंद रूह ही समझ सकती थी। उसने समझा जिसने सबसे पहले हुसैन को रोका था, उसने समझा जिसने 1000 फौज लेकर हुसैन का घेराव किया था। हुर खड़ा हुआ और हुर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ हुसैन की तरफ बढ़ा। यजीदियों ने समझा, हुर बहुत होशियार चालाक मुदब्बिर है, जाकर हुसैन को पटा के लाएगा और हुसैन हमको सजदा करेंगे, हुसैन जुल्म यजीद के सामने बैत पे मजबूर हो जाएंगे। आया और आंखों में चमक लिए हुए और रोके कहता है, मेरे आका मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, आपने बुला लिया है, मैं जहन्नम के दरवाजे से जन्नत की दहलीज चूमने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे हुसैन मुझे माफ कर दो, मगर करीम इब्ने करीम सखी इब्ने सखी शहीद इब्ने शहीद की जदान के तेवर मुलाहिजा कीजिए। कहता है हुर मुझे माफ कर दो, तो हुसैन गोद में उठा के कहते हैं, हुर तो जहन्नम से आजाद है, जरा गुफ्तगू का तेवर तो देखिएगा। हुर कहते हैं मुझे माफ कर दो, हुसैन कहते हैं तू जहन्नम से आजाद है। अगर हुसैन ये कह देते कि ए हुर तुझे हमने माफ किया तो हालात क्या बनते। नहीं, हुर से अगर कह देते कि मैंने तुझे माफ किया तो हुर नर्वस हो जाता, हुर एहसास से कमतरी
कमतरी का शिकार हो जाता और रसूल अल्लाह की औलाद किसी को एहसास कमतरी नहीं देती। एहसास बरतरी की जो दौलत बांटने आए थे वो एहसास कमतरी का शिकार किसी को क्यों बनाते। इधर हुर ने कहा, सरकार मुझे माफ करो। हुसैन कहते हैं, तू तो जहन्नम से आजाद है। और हुर आया मैदान में फिर और उसने कहा, हल में मुगीसी योगीसना, अल्लाह अल्लाह, इसी नारे को फिर हुर ने दोहराया है कोई जो हुसैन की मदद करे। हम पूछते हैं, ए जनाबे हुर, इमाम हुसैन ने तो बुलाया था, आप आ गए मदद करने, इनसे आप क्यों कहते हैं है कोई जो हुसैन की मदद करे, है कोई जो हुसैन के साथ आए। हजरत हुर ने कहा, ए यजीदियो सुनो, मैं यजीद का गुलाम नहीं, हुसैन का वफादार सिपाही बनकर बोल रहा हूँ। मुझसे सुन लो, इमाम हुसैन का ये जुमला याद रखना, अगर जुल्म तुम कर गए हो और हुसैन बुला रहे हैं है कोई मेरी मदद करे, याद रखना ये नारा बार बार लगेगा करबला में। और उन सादतमंद रूहों से कह रहा हूँ कि अगर तुमने अपनी आकबत को देख लिया है तो पलट आओ, वरना करीम इब्ने करीम का मिजाज देखो, वो कह रहे हैं मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ, ये नारा बार बार लगेगा। क्या मिजाज मिला? हुसैन का मिजाज तुमको पहचानवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, है कोई जो दीन की राह में मेरी मदद करे। मैं घेर घर के लाया, मेरी वजह से पानी बंद हुआ, मेरी वजह से हुसैन का खाना बंद हुआ, मगर करीम इब्ने करीम की शान अता तो देखो, जो ही मैंने उनके नाना के दीन की हिमायत के लिए अपने आप को पहुंचाया है तो हुसैन ने मेरा इतना बड़ा गुनाह माफ कर दिया है। अगर कोई तुम में से बदबख्त हो और अकबर को कत्ल कर दे और उसके बाद भी हुसैन के पास आ जाएगा, हुसैन के नाना के दीन की हिमायत करेगा, तो हुसैन उसको भी वैसे ही माफ करेंगे जैसे हुर को माफ किया है। हुसैन वैसे ही अकबर और असगर के कातिल को भी माफ कर देंगे। आप भी तलवारों की छाव में मेरा इमाम सलाए आम दे रहा था याराने नुक्तादा को। नतीजा ये होता है कि जनाबे हुर पर हमलों की बारिश होती है और हुर इमाम हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो जाते हैं। आजाद हुआ पंछी जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकीन हुई रूहे हुर। इमाम पाक ने इस लाश को लाकर खेमे के सामने रखा। अहले बैते मुस्तफा, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अली अकबर कहते हैं, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया, बेटा हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के साथ हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। नताइज की शक्ल में गुलामानी हुसैनी भी मैदान में है। अब जंग के तरीके जब शुरू हुए तो पहला तीर अम्र इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया था। कमांडर इन चीफ ने यजीद के तीर चला के कहा, लोगो यजीद के दरबार में गवाही देना कि हमने हुसैन के ऊपर तीर चलाया था। कजा और कद्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन पर तीर चलाया, एक तेरा जन्नती बाप था कि रसूल के हर आने वाला तीर मैदाने ओहद में रोका करता था। तो इंकलाबात है जमाने के, जरा बेटे की भी तकदीर देखो और बाप की भी तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। करबला के मैदान से आगे ओहद के मैदान में चलो, अबू सुफियान के तीर आ रहे हैं तो हजरत साद इब्ने वकास अपने सीने पे ले रहे हैं। आज यजीदी तीर इमाम हुसैन के सीने पर अम्र इब्ने साद पेश कर रहा है। जिस सीने को रसूल चूमते थे उस सीने पे अम्र इब्ने साद ने तीर चलाया है। गुलामा ने अहले बैत आगे बढ़े और जनाबे जहर ने आगे बढ़ के कहा, ए जालिमो मुकाबला करना है तो हमारे सामने आओ। कुर्बान हुए जनाबे जहर। और ऐसे आलम में जब उनका दम निकल रहा था, जब वो जान दे रहे थे, उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू थे, हुसैन 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 के नारे लगा रहे थे, इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलाम ने ऐलान किया, मत घबराना मेरे गुलाम, मैं आ रहा हूँ। करीब पहुंचे तो मुस्लिम इब्ने औसजा को उन्होंने आवाज दिया, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, मेरे हुसैन की इज्जत और लाज को रखने के लिए जरा मेरे सामने आओ और मुझसे जरा पैमाने वफा तो करते हुए गुजर जाओ। मुस्लिम इब्ने औसजा उनके बेहतरीन साथी थे। इमाम हुसैन की मुकद्दस गर्दन पर आज तीरों की बौछार है, मगर मेरा इमाम अपनी गर्दन को देने से पहले देखता यह है कि उसके गुलाम उसकी गर्दन पे अपनी गर्दन बलिहारी करते चले जा रहे हैं। आओ देखो, हजरत जहीर को अपने सालों पे इमाम हुसैन ने लिया है, दम निकलने वाला है। कहते हैं, मेरे आका, मेरे दोस्त जनाबे मुस्लिम को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा आए और आने
मारने के बाद कहा, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, तुम भी अपनी आका पे ऐसे ही जान देना। जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में उतरे और हुसैन पे कुर्बान हुए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे दोस्त मुझसे एक वादा करो, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा, मुझे समझ में आ गई मेरे बात कि आपका एक बच्चा है, आपकी एक बीवी है करबला के मैदान में, हम उन दोनों की हिफाजत करेंगे। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, गलत, तुमने नहीं समझा मेरी बात को। मुझे न इस वक्त बीवी याद आ रही है, न मुझे इस वक्त बच्चा याद आ रहा है, न मुझे इस वक्त दुनिया याद आ रही है। आमिना के लाल के चेहरे पे जुल्म की परछाई न पड़ने पड़े और सैयदा के लाल के चेहरे पे मायूसी की किरण न जगमगाए। आओ आओ सुनो मुझसे, अगर मेरे हुसैन पर वक्त आ गया और तुम जिंदा रहे तो अपनी लाश से खेल के चले जाना और उसके बाद हुसैनी अजमत को बचा के ऐलान करना, हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, हम कौनो मकां के ताजदार के सिपाही हैं। इतने में मुस्लिम इब्ने औसजा ने दम तोड़ दिया। इधर मुस्लिम इब्ने औसजा दम तोड़ते हैं, उधर एक खेमे से एक 8-10 साल का बच्चा अपनी कमर में नन्ही सी तलवार लगाकर करबला के मैदान में भाग रहा है। इमाम हुसैन ने उस बच्चे को देखा तो पुकार उठे, ए मेरे असहाब, जरा जल्दी से उस बच्चे को पकड़ो, वो किसका लाल है जो करबला में चला जा रहा है। वहीं से फितरत ने आवाज दिया, हुसैन, एक 8 साल का बच्चा करबला में जा रहा है तो तुम उस बच्चे को बचाने के लिए आवाज दे रहे हो, कल मगर जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तो कोई नहीं होगा जो तुम्हारी बेटी को बचाने की आवाज देगा। आज इमाम ने उस बच्चे को जब बुलाया है, इमाम के पास वो बच्चा आया, इमाम के जानू पर मुस्लिम इब्ने औसजा की लाश थी, उनका सर इमाम के जानू पर ढल गया था। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे से पूछा, ए बेटे, तू किसका बच्चा है? बच्चे ने कहा कि मुझसे पूछते हैं आप किसका बेटा है, तू कहां जा रहा है? कहा, करबला के मैदान में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है? अजमत हुसैनी पे जान देने जा रहा हूँ। किसने तुझे सजा के भेजा है? मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजा के भेजा है। किसका लाल है तू? कहा, मेरे आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ? कहा, हाँ मेरे लाल बता दे तू किसका लाल है। कहा, ये जिस बाप की गर्दन तुम्हारे जानू पे पड़ी हुई है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ और मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है, बेटे जब बाप नहीं रहा तो बेटा रह के क्या करेगा, जा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। आज एक बच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। मैं तुमसे पूछता हूँ मुसलमानों, जरा सा देखो तो सही, बच्चों के समझ में बैत और अदम बैत किस ढंग से आई थी। आज उस बच्चे ने भी करबला की धरती पे दम तोड़ दिया है। तमाम असहाबाने हुसैन एक एक करके कत्ल हो चुके हैं और उसके बाद नतायज फिर क्या सामने आते हैं उसे मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह अल्लाह, जुल्म और सितम भी इकट्ठा है, सब्र और रजा भी इकट्ठा है। कौनैन में मुस्तकबिल का जुल्म भी करबला में वक्त से पहले आ गया है, हाल का जुल्म भी सिमट के करबला में आया है, माजी का जुल्म भी करबला में आया है। नमरूदी तेवर भी आपको करबला में मिलेगा, फिरौनी तेवर भी आपको करबला में मिलेगा, अबू जहली तेवर भी आपको करबला में मिलेगा, अबू लहबी तेवर भी आपको करबला में मिलेगा, उमैया का तेवर एक कुफ्र भी आपको करबला में मिलेगा। मगर जहां जुल्म और सितम के ये सारे तेवर तुम्हें मिल रहे हैं, वही सब्र और रज़ा का भी हर तेवर तुम्हें मिलेगा, अय्यूबी सब्र भी तुम्हें करबला में मिलेगा, सुलेमानी शौकत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, दाऊदी खिलाफत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, मौसवी जलाल भी तुम्हें करबला में मिलेगा, ईसवी जमाल भी तुम्हें करबला में मिलेगा, हारूनी अखुवत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, आदम की आदमीयत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, नूह की शुजाहत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, याकूब का एतमाद भी तुम्हें करबला में मिलेगा, यूसुफ का उसने तमकलक भी तुम्हें करबला में मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, इस्माइल का सबोई सार भी तुम्हें करबला में मिलेगा, इसहाक की रहा भी तुम्हें करबला में मिलेगी, हारून की अकूबत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, जकरिया की मासूमियत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, यहिया की शहादत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, पैगंबर इस्लाम की अजमत भी तुम्हें करबला में मिलेगी। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर के तारीख करबला सब्र के मैदान में जगमगाने लगती है। खलील भी सरे बागे रम ये मान गए, वफा शियारों के हैं, मेरे कारमा शब्बीर यजीदी फौज के कमांडर ने ऐलान किया, लोगो हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं,
इसलिए बैत नहीं कर रहे हैं। इनके बच्चे जब मरेंगे इनके सामने तब ये झुकेंगे। इमाम का एक बच्चा मैदान में आता है और इमाम अली मकाम ज़हन अता फरमाते हैं, मेरे बच्चों को देखना है। देखो अली अकबर तड़प के आए, बाबा अब देखा नहीं जाता, मुझे मैदान में जाने दीजिए। अली अकबर खामोशी के साथ झूले में पड़े हुए हैं, सकीना 3 दिन की प्यासी बेहोश है, आले मोहम्मद मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में हजरत सकीना ने कहा, सकीना पुकार उठी, ए चचा अब्बास मेरी खबर लीजिए, मुझे झूले में आप झुलाया करते थे, मेरा आका पानी नहीं पी सका है। चले घोड़े से अपनी सकीना को पानी लेकर देने के लिए। यजीदियों ने कहा, एक कतरा पानी खेमे हुसैनी में पहुंचता है तो नतीजा कहरे जुलजलाल की सूरत में नजर आएगा और कयामत यजीदियों पे बर्पा हो जाएगी। इतने तीर चले हैं अकेली जान पर कि बचते बचाते खेमे की तरफ दौड़ते रहे। दाहिना हाथ एक शकी की तलवार से कट जाता है, पलट के मशकीजा बाएं हाथ पे संभालते हैं। 2 कदम चले हैं झुरमुट में शकियों के, दूसरा हाथ भी कट गया है। वफा के सरवर ने मशकीजे को सक्काए सकीना ने अपने दांतों में छुपा लिया है। निगाह है अपने उस खेमे पर जहां सकीना प्यासी होकर पानी की सदा दे रही है, मगर किस्मत की बदनसीबी कहां टूटी है कमन। 2-4 हाथ जबके लगे बाम रह गया। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, लिट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। और एक बेटी सामने थी, एक छलांग लगाई कि पहुंचे, शिमर ने आवाज दी, इतने तीर बरसा दो सक्काए सकीना के मशकीजे पर कि पानी का हर कतरा हुसैन के भाई के खून के कतरे से पहले बह जाए। और नतीजे की शक्ल में जब पानी बह रहा था तो सक्काए सकीना ने आवाज दिया, मेरी मजलूम भतीजी, अफसोस चचा तेरे काम ना सका, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपना लहू बहा दिया, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई। तड़पते हुए अब्बास ने आवाज दी, शेरे खुदा के नूरे आए लखते जिगरे मुर्तजा की खबर लो, भाई दुनिया से जा रहा है और हजरत इमाम पाक आए हैं, भाई का जनाजा अपने हाथों पे उठा रहे हैं। किस कदर परेशानियों की मंजिल है। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की सारी कुव्वत इकट्ठा कर ली है, निगाह डालते हैं अपने शेर पे तो तड़प के रह जाते हैं। भैया अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है, अपने वजूद नाज़नीन के भाई का लाशा उठा के ला रहे हैं। सकीना के सामने ला के ये लाश रखी है इमाम ने, बेटी तेरा सक्का आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है, मगर तेरे सक्का ने ये सकीना वो हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़ा है, शहादत के हाथ में छोड़ा है। हजरत अब्बास के सुहाने आके सकीना जैसी मजलूम और कम उम्र बच्ची बैठती है और सर हिलाती है, थोड़ी देर के बाद कहती है, चचा इतना खामोश हो गए आप, इतना गुस्सा हो गए आप, इतना रूठ गए अपनी भतीजी से आप। चचा मुझसे गलती हुई कि मैंने आपको दरिया भेजा था। मेरे चचा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दुनिया से जाते जाते अपनी भतीजी से रूठ के गए हो या खुश होके गए हो। चचा एक बार तो अपनी आंख खोल दो और एक बार अपने लबों से बोल दो कि सकीना तेरा चचा तुझसे रूठा नहीं है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मगर सकीना से मशीयत कह रही थी, सकीना जो दुनिया से चला जाता है कुदरत का फैसला है कि वो बोला नहीं करता, अहले जिस्म जिस्मानियात के सामने इस तरह आया नहीं करता। और सकीना बार बार कह रही थी, अरे चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, अरे चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। मगर चचा आप कहां पलटने वाले थे। इतने में इमाम ने अपनी बेटी को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हजरत अली अकबर निगाहों के सामने खड़े हैं और अली अकबर कहते हैं, बाबा अब जब्त की हद हो चुकी है, मेरा चचा दुनिया से गया, मुझे भी मैदान में जाने दो। इमाम फरमाते हैं, अपनी फूफी से रुखसत लो, तुम्हें पाला है हजरत जैनब ने, जैनब के कदमों में बच्चा आया है और रो रहा है। फूफी फूफी, फरमाया मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, किस मुंह से तुझे रन जाने की इजाजत दी जाए, मगर शहादत का उरूस कह रहा है फूफी, ये तो हमारी खानदान की रीत रही है। मैदान मक्का में नाना
کے سر سے جو خون بہا تھا اس خون کی تکمیل آج کربلا میں ہونے والی ہے۔ پھوپھی کیا تمہیں میرے دادا کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جب دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر نے دی تھی اور پیغمبر نے مکے میں اپنے سارے قرابت داروں کو بلایا تھا؟ بلانے کے بعد، نقطہ دے رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، بلانے کے بعد پیغمبر نے تمام قریشیوں ہاشمیوں کو کھانا کھلایا اور کھلا کے پیغمبر نے کہا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اسلام سچا ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، تم اسے مان لو۔ تو کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا اٹھا، ایسے ہی عالم میں ایک 8 سال یا 10 سال کا دبلا پتلا بچہ تھا، ٹانگیں اس کی پتلی پتی تھی، آنکھیں اس کی آشوب کرائی تھی، پھول جیسا کھلتا ہوا بچے کا چہرہ تھا۔ وہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے پیغمبر، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے مقاصد کی تکمیل میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ مشیت پوچھ رہی تھی، بچے، بچپن کے خواب بڑے سنہرے ہوتے ہیں، بر آواز کود کا غرہ مشو، بچے کی آواز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا، جو سریلی آواز بچپن میں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جوانی میں بھی وہی آواز ہو، اس لیے اے بچے، تو پیغمبر کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے، بڑی کٹھن ہے وفا کی راہیں، بڑی کٹھن ہے وفا کی راہیں، چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر، کہیں اکیلے نہ چھوڑ دینا۔ پیغمبر سے ایک بچے نے کہا ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مشیت نے کہا، ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہو، امن کے میدان سے لے کے جنگ کے میدان تک ان کا راستہ جاتا ہے، ساتھ دو گے؟ بچے نے کہا، ہاں دیں گے۔ کہا، خلوت سے لے کے جلوت تک اور سفر سے لے کر ہجرت تک ان کا راستہ جاتا ہے، ساتھ دو گے؟ کہا، ہاں دیں گے۔ کہا، بچے، کسی رات اگر ان کے بستر پہ تجھے سونا پڑے اور وہ قتل نبوت کی رات ہو تو کیا تو ساتھ دے گا؟ کہا، ہاں ساتھ دیں گے۔ کہا، بچے، اگر ان کے دین پر تجھے خون جگر کی قربانی دینی ہو تو ساتھ دے گا؟ کہا، ہاں دیں گے۔ کہا، اے بچے، تو نے ان کے لیے ہاں کیا ہے، کبھی نہ تو نہیں کرے گا؟ کہا، نہیں، کبھی نہ کرے، نہیں کریں گے، ان کے دین کے لیے ہاں کیا ہے، یہ ہماری ہاں کبھی نہ میں نہیں بدل سکتی۔ اس بچے کا نام علی تھا، نبی نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو علی نے قبول کیا تھا۔ اب اس ہاں کی قیمت علی کہاں کہاں چکا رہے ہیں، ہجرت کرنی ہوئی تو ہجرت کرو، نہ نہیں کر سکتے، علی ہاں کر رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں، اس ہاں کی قیمت علی کہاں کہاں چکا رہے ہیں، بستر نبوت پر قتل کی رات سونا ہے، ہاں کر رہے ہیں علی اور سو رہے ہیں، علی کوفہ کے میدان میں ہے، خنجر چل رہا ہے اور اسلام کے نام پر علی نہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بچپن میں وعدہ کر لیا تھا، مسلم صلی اللہ کے لیے ہمیشہ ہاں ہوگی، کبھی نہ نہ ہوگی۔ اب جب علی دنیا سے جانے لگے تو اپنے خمیر و ضمیر کو انہوں نے آواز دیا، اپنے بیٹوں کو آواز دیا، اور قیامت تک پیدا ہونے والی اہل بیت کی روح کو آواز دیا، میرے بیٹوں، میری ہاں کی لاج رکھنا، میری ہاں کو کبھی نہ میں تبدیل نہ ہونے دینا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں، جس نانا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی میرے دادا نے، آج اسی نانا کے دین کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں، اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ امام حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں آیا، اور جب حضرت علی اکبر 18 سال کی کڑیل جوانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یزیدی فوج نے خنجر گرا دیے، یزیدی فوج کے بوڑھوں نے اپنے رخ پھیر لیے۔ شمر پوچھتا ہے، کیوں تم نے تلواریں گرا دی؟ کہا، اے شمر، حد ہو گئی بے حیائی کی، ارے ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا، تمہیں نبی کہاں یہاں نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا، وہ دیکھو، وہ کون ہیں؟ کہا، دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، شبیہ نبی ہیں۔ علی اکبر اس قدر پیغمبر کے مشابہ تھے کہ میں نے ایک جگہ یہ عرض کیا ہے، نکلے میدان میں سج کر علی اکبر جس دم، جان دشمن کی انہیں دیکھ کے تھرائی ہے۔ کیوں تھرائی ہے؟ اس لیے کہ اکبر تھے پیغمبر کے مشابہ، بالکل آدھا سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے۔ حضرت علی اکبر لڑتے جا رہے ہیں اور لڑ لڑ کے واپس آئے، باپ کو خوش کیا، کہتے ہیں، بابا، الوداعی سلام لو، اب علی کے چاند پہ گھن کے بادل آنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک منحوس آواز شمر لائن کی ابری، حسین، 18 سال کے کلیل جوان کی لاش اٹھاؤ، فاطمہ کے آنچل کو ہم نے تار تار کر دیا ہے، اور سیدہ کے ارمانوں کا خون کر دیا، زینب، بطنی گود کا پالا ہوئے کو مقتل میں دیکھ،
तेरे बच्चे के सीने में हमारे अने की कड़ियां खुशी हुई है। हजरत इमाम जब मैदान में उतरते हैं, देखा 18 साल का लाल तड़प रहा है, जान जाने वाली है। एक नेजे का फल हजरत अली अकबर के सीने में जा गुजरी है। कहते हैं बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, प्यास बेपनाह है बाबा, पानी दे दो। कहते हैं बेटे इरफान की राह पर साकिये तस्नीम कौसर से पानी मांग। इतने में रसूल अल्लाह का जलवे जहां आरा अली अकबर को नजर आया। कहा बाबा जहां से भी किसी दिल जले ने आवाज दी है, मुस्तफा वहीं से उसकी मदद करते हैं। बाबा मेरे आका आग निगाहों के सामने हैं, नबी पुकार रहे हैं अकबर बाप से पानी मत मांग, साकिये हौज़े कौसर के पास आ और मेरे बच्चे हुसैन को खुशखबरी दे कि उसका पानी लिए हुए नबी शहादत के बाद उसका इंतजार कर रहा है। हजरत अली अकबर दम तोड़ते हैं, बाप अपने बच्चे के सीने से नेजे का फल निकालता है। बाप हो तुम, औलाद वाले हो तुम, सोचो तो सही, मैदान में 18 साल का लाल तड़प रहा हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी मुसीबत हुसैन ने उठाई क्यों? जवाब दो कि सिर्फ मुस्लिम पर्सन अल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए हुसैन ने ये मुसीबत उठाई है, सिर्फ मोहम्मद अल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए हुसैन ने ये मुसीबत उठाई है। आज अपने बच्चे के सीने से इमाम हुसैन जब निकालते हैं भाले को तो अकेले नेजा नहीं निकलता, नेजे के फल में बेटे का टंगा हुआ दिल भी निकल के आता है। अंदर से लोथड़ा गोश्त का बाहर आया। हुसैन है हिम्मत जो बेटे का खून देखो? हुसैन कहते हैं नाना की गोद में पला हूँ, इस्लाम का खून देखने की हिम्मत नहीं है। हाँ इस्लाम को बचाने वाले का खून देखने की हिम्मत जरूर है। और इमाम ने अपने लाल को जाते जाते आखिरी सलाम किया, बेटे ने मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है और वही बात आप समझिए तो आपकी भी समझ में आएगी कि एक एक जान जा रही है। मसला किस बात का है? बायत कीजिए, जान बचाइए, मान लीजिए हमारा कानून, जान बचा लीजिए, नहीं मानिएगा जेल भी जाइएगा, मारे भी जाइएगा। तो हुसैन का एक बच्चा कटा, दूसरा कटा, भाई कट गया। अली अकबर को कहना चाहिए था कि बाबा बहुत हो गई कुर्बानी, देखो ये जालिम असगर को भी मार डालेंगे, ये जालिम खेमा भी फूंक देंगे, ये जालिम कासिम को भी मार डालेंगे, ये जालिम ओनो मोहम्मद को भी मार डालेंगे, जिस तरह चचा को मारा है ऐसे ही ज़ैनब पाक की चादर भी छीन लेंगे, ये बहुत सताए बाबा तुम्हें भी मार डालेंगे, क्यों नहीं यजीद की बायत कर लेते हो, क्यों नहीं यजीद की हां में हां मिला रहे हो? आले रसूल तुम्हारी फरासत ईमानो इस्लामी को सलाम। एक एक बच्चा जान दे रहा है मगर हुसैन से कोई नहीं कहता कि रिवर्स हो जाइए, हुसैन से कोई नहीं कहता मसलहत को सलाम कर लीजिए, हुसैन से कोई नहीं कहता यजीद की हां में हां मिला लीजिए। जिन लोगों ने नबी की हां में हां मिलाई थी वो लोग दुश्मन नबी की हां में हां कैसे मिलाते, कैसे बावफा लोग थे जिन्होंने वफादारियों की राह पे चलने का हम मुसलमानों को हौसला अता फरमाया है। इमाम कड़ियल जवानी लेकर के खेमे में आते हैं, जैनब मेरे जवान की कुर्बानी मेरे रब ने कबूल कर ली। हजरत कासिम अपने चचा के पास आए हैं, चचा मैदान की इजाजत दीजिए। कहते हैं नहीं हसन की तुम निशानी हो, जाकर के फूफी के पास रोते हैं। फूफी कहती है क्यों, क्या बात है कासिम? कहते हैं काश आज मेरे बाप हसन होते तो मैदान करबला में शहादत का दरवाजा मुझ पर बंद न होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम कासिम को इसी दिन के लिए पाला था। आपने अपने हाथ का तावीज खोल के देखा तो चूमने लगे उस तावीज को, उसमें हजरत इमाम हसन ने लिखा था मेरे लाल मेरे खूने जिगर, मेरी निगाहों के नूर मेरे दिल के सुरूर, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरा भाई मक्तले करबला में शहीद होगा। मेरे बेटे मुझे अफसोस है कि मैं उस जमाने में नहीं रहूंगा, तू मेरा बच्चा है, मेरे भाई के चरणों पे कुर्बान होने की जमानत देना। लेके आए कहा चचा शहादत की सनद मुझे मेरा बाप दे के गया है, देखिए ये शहादत की सनद है। जनाब कासिम भी मैदान में उतरे हैं, एक हलमी मुबारिस की सदा है, एक पहलवान आता है मुकाबले में लड़ता है, दूसरा आता है मुकाबले में लड़ता है। हजरत गिरामी जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए थे तो उनका मुकाबिल बड़ा शहजोर था, अरजक नामी एक पहलवान करबला में यजीदी फौज में आया था, जिस पहलवान की ताकत बड़ी ही मशहूर मारूफ थी। 4 बेटों के साथ था मैदान में, उससे कहा गया जाओ कासिम का मुकाबला करो। उसने अपनी तौहीन समझी, जरा भर के बच्चे का मुकाबला सबसे बड़ा रुस्तम कायनात करने जाएगा, अपना एक बेटा उसने भेजा। हजरत कासिम ने फना फिन्नार कर दिया।
दूसरा बेटा उसने भेजा, हसन के शेर ने उसे भी मारा, तीसरा चौथा आया उसे भी मारा, और इमाम कासिम ने कहा तू आ, और जब वो आया मैदान में झोलता हुआ फील की तरह, तो इमाम हुसैन ने गर्म रेत पे सजदा किया, मेरे माबूद मेरे बच्चे की लाज रखना, जालिमों का सबसे बड़ा पहलवान मेरे बच्चे के मुकाबले में है। इतने में भतीजे ने कहा चचा सर उठाइए, खुदा ने सुन लिया, देखिए की तलवार चमकी है और ये जालिम की लाश तड़प रही है। हजरत इमाम कासिम की मुकद्दस जात ने अपने वजूद नाज़नीन से अपने दादा हैदर कर्रार और अपने बाप हसन मुश्तबा के सब्र तहम्मुल का भी इजहार किया है और शुजात और बेनजीरी का भी इजहार किया है। निकले सुन के तेगों की खनक, हजरत कासिम ने कहा मेरी बारात की शायद यही शहनाई है, और शहनाई गूंजती रही, शहादत का नौशाह आगे बढ़ता रहा। कजा के नाम पर एक दिन सबको लब्बैक कहना है, और उसे मौत ने गोद में लेकर हयाते अबदी का जिंदा जावेद दूल्हा बना दिया। भतीजे की लाश भी इमाम ने लाके रखा है, सकीना बेहोश पड़ी हुई है, ऐसे आलम में उम्मे रबाब ने एक आहे सर्द खींची, इमाम छोटा सा बच्चा झूले में तड़प रहा है, असगर प्यास से जा बलब है, यजीदियों से कहिए कि यजीदी इस बच्चे पे तो रहम खा जाएं, पानी का एक कतरा इस बच्चे को तो दे दें। मेरे आका अपने दामने अजमत में उस बच्चे को छुपा के मैदाने करबला मिला रहे हैं। बच्चा रो रहा था, लोग कहते हैं बच्चा पानी के लिए रो रहा था, उबैद एक ज़हन दे रहा है, मुलाहिजा कीजिए, पानी के लिए नहीं रो रहा था, शहादत का पानी जरूर उसको चाहिए था। देखिए जब बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं या बड़ों की फिक्र को अपनी तरफ मुल्तफित कराना चाहते हैं तो रोने लगते हैं, और उनके रोने का मिजाज समझदारों की के लिए जरूरत है कि समझदार उनके रोने का मिजाज समझें। कुछ लोगों ने उनके रोने का मिजाज पानी की तलबी को समझा था, मगर मैं इमाम असगर का गुलाम में दर गुलाम यह समझता हूँ कि असगर रो के कह रहे थे बाबा शहादत के मैदान में एक साकी कौसर का इस्लाम नजरिया शहादत का पानी दे रहा है। जितने जुबान वाले थे वो तो बोल बोल के मैदान में जाते रहे, ए बाबा मैं जिहाद कैसे करूंगा, जब बच्चे के पास जुबान नहीं तो रोने लगा, पानी बहाना बन गया मैदान में जाने का, वरना बच्चा जहन ये दे रहा था कि मैं आले रसूल अल्लाह हूँ, जहाँ सब जुबान वाले शहादत का पानी पी रहे हैं वहीं बेजुबान को भी ले चलो ताकि तारीख करबला हर तरह से मुरतब मुकम्मल हो जाए। ये बच्चा शहादत के लिए मैदान में आया। अब असगर मजलूम से सवाल कीजिए कि असगर अली अकबर ने तो तलवार उठाई थी तो लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सी तलवार है? हजरत कासिम ने तो नेजा उठाया था लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा नेजा है? तुम्हारे चचा हजरत अब्बास ने तो कल तीर उठाया था लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा तीर है? उन्होंने कहा मुझे मैदान में तो चलने दो, मेरा तीर भी दुनिया देखेगी। यजीदियों का सीना उससे घायल हो न हो, हुसैनियों का सीना हर साल उससे घायल होता चला जाएगा। जब बच्चा मुकाबले पे आया और पूछा गया कि ए असगर कैसे तीर चलाओगे, तो बच्चों ने अपनी जुबान का तीर अपने लब पर फेरना शुरू किया, ए जमाने देख ये हमारा तीर है, और जो ही वो तीर बाहर निकला है प्यासे का, उर्मल के तीर ने उस तीर को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी जरबे कारी का पैगाम दे दिया है। यजीदियों के दिल असगर की उस जुबान तीर से हिले ना हिले, मगर प्यास के आलम में तसव्वुरात की दुनिया में जब असगर का तीर बज़ुबाने ज़ुबान सामने आता है तो कौन है जिसका कलेजा घायल नहीं होता? असगर की गर्दन कटी, खून चुल्लू में आया इमाम के, सोचा कि आसमान की तरफ फेंके, आवाज सुनते हैं हाफिज़ ग़ैबी की, हुसैन खबरदार हमारी तरफ मत फेंकना आका, वरना क़यामत तक हम आसमान से अबरे बारह जमीन वालों पे गिरने नहीं देंगे। आपने सोचा कि असगर का खून जमीन पे डाल दूं, जमीन ने कहा हुजूर एक दाना नहीं उगेगा खूने हुसैनी की कसम। आपने अपने बच्चे का खून अपने चेहरे पे मल लिया, और मलने के बाद कहा यजीदियों गवाह रहना, कल हुसैन इसी तरह मैदान महशर में दावर महशर के सामने जाएगा। दस
सजते शाहते यूं पिए जाम शहादत असगर, जैसे गुलशन में कली शाख में मुरझाई हो। हजरत इमाम बच्चे को घर में लाए हैं, मेरे बाप के हाथ में बच्चा दिया जाता है, ज़ैनब पाक एक मासूम और मजलूम कुर्बानी भी देख रही हैं। इमाम ने मैदान में आके कहा, मौला मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शहीदाने मोहब्बत का गुस्ल उनके खून में होता है, मौला देख मैं अपना गुस्ल कर रहा हूँ, परवरदिगार इस खून को रायगा मत होने देना, माबूद मैं तेरे इस्लाम के शरीर तजबा की जड़ में अपने खून से दिलकारी करता जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ये कुर्बानियां देकर के अब खेमे में आ रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के नेजों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदर शाने अहले बैत। हजरत इमाम हुसैन खेमे में सबसे कह रहे हैं, अब मैं मैदान जा रहा हूँ, बहन से कहा आखिरी दीदार कर लो, बीबियों से कहा जाने रसूल को एक नजर मोहब्बत देख लो। कोहराम मचा है खेमे आले अबा में, जब इमाम आगे बढ़ने लगे तो बहन ने आगे बढ़ के कहा, हुसैन मेरी माँ के प्यारे हुसैन, मेरे बाप के राज दुलारे हुसैन, तुम जा रहे हो तो जाने से पहले पहले सुनो, अली की बेटी जाग गई है, हैदर की फिक्रो फन बेदार हो गई है, सुनो ए हुसैन तुमको मैं शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, इस लिबास को उतार दो। इमाम ने कपड़े बदले और बदलने के बाद हजरत जैनब सामने आई, आकर के नाना का मामा निकाला, ये रसूल अल्लाह का साफा अपने हाथ से बांधा हजरत जैनब ने। उसके बाद हजरत जैनब ने कबाए रसूल हजरत इमाम हुसैन को पहनाया, पहन चुके इमाम तो बहन ने एक पोटली खोली और उसमें से एक दुपट्टा निकाल के बहन रोने लगी, मेरे भाई ये फातिमा का दुपट्टा है, आज के दिन तेरी बहन करबला में से संभाल के लाई थी, पटका बांधा है माँ के दुपट्टे का इमाम ने और हाथ में जाफर तैयार की ढाल देती है ज़ैनब पाक, हजरत हसन मुश्तबा का टटका देती है और हैदर कर्रार की तलवार जुल्फकार दे करके घोड़े पे रुखसत करती है। घोड़े पे बहन बिठाने लगी तो कहा, हुसैन मैं रिकाब तो तेरी थाम लू, मेरे हुसैन मेरे खानदान की ये रवायत रही है कि जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे, जुमला नाजिल हुआ है दुआ दीजिए, जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे तो उनके बुराक पे बैठने के वक्त जिब्रील ने उनकी रिकाब थामी थी, जब नाना जा रहे थे मेराज में तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी, और जब अली घोड़े पे सवार होते थे जिहाद में जाने के लिए तो हसन और हुसैन रिकाब थामते थे, जब हसन जाते थे मैदान में तो हुसैन रिकाब थामते थे। ए हुसैन आज तेरी रिकाब कौन थामेगा, आज तुझे शहादत के मैदान में कौन भेजेगा, आज कोई मर्द नहीं रह गया, ज़ैनब अपने बाप का फरीजा अदा कर रही है। हुसैन मैदान जंग में आ रहे हैं, आखिरी दीदार घर वालों ने कर लिया, इमाम ने सामने यजीदियों के फिर एक खुतबा दिया, यजीदियों मेरे खून में अपने हाथ को मत रंगो, हर में मुगीसी योगी सना है कोई जो मेरी मदद करे, रूहे हुर पुकार उठी, ए जालिमो मैंने कहा था ना कि ये सखी इब्ने सखी हैं, देखो आखिरी नारा फिर ये जन्नत जाने का तुम्हें दे रहे हैं, है कोई जो मेरी मदद करे, अब से भी अगर तुम पलट के हुसैन के साथ आ जाओ दीन की हिमायत में तो अली अकबर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे। इतने में शिमरन ने कहा, ए हुसैन क्या बहन से मशवरा कर रहे थे कि यजीद की बायत मान लो, गरजदार आवाज में शेर खुदा ने कहा, ओ नाकार फिन, अगर मुझे यजीद की बायत ही करनी होती तो अली असगर को न गंवाता, अगर यजीद की बायत ही करनी होती तो अली अकबर को मैदान में न उतारता, मुझे यजीद की बायत कभी भी मंजूर नहीं है, मेरे खून के फव्वारे दुनिया को हक्को सलामती और शुजात मर्दानगी के रास्ते दिखाते चले जाएंगे। इमाम ने मैदान में यजीदियों से कहा, आखिरी बात मेरी सुनो, अगर अब भी तुमने मेरे नाना के दीन की हिमायत कर ली तो हुसैन तुम्हें माफ करेगा, चारों तरफ से एक इल्गार हो जाती है, काबे को जमीन पर गिराने के लिए संग दिलाने जमाना ने कोशिशें कर ली हैं, इमाम पर मुसलसल तीरों की बारिश है। इमाम फिर वापस खेमे में आते हैं, बहन को देखा तो बहन से कहा, ए मेरी बहन मेरे
میری سکینہ کا خیال رکھنا. حضرت شہر بانو کہتی ہیں حضور سکینہ بے ہوش پڑی ہے. ایسے ہی عالم میں امام نے اپنے دامن کی ہوا دیا سکینہ کو, آنکھ کھلی سکینہ کی تو سکینہ لپٹ گئی. بابا تم میدان میں مت جانا, تم کٹ گئے تو میں باپ کس کو کہوں گی, تم کٹ گئے تو میرا ساتھی کون ہوگا, میرے ارمانوں کی دنیا اجڑ جائے گی, میرے پیار کی نگری ختم ہو جائے گی. ایک طرف محبت ہے اولاد کی, دوسری طرف فرض ہے اسلام کا. مسلم کرشن اللہ کے لیے حسین بیٹی کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی قضا و قدر کے ہاتھوں مجبور ہے حسین, تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے, تیری فکر و نظر کے ترجمان مسلمان بن جائیں گے. بیٹی میں قوم کی امانت ہوں, مجھے قوم کی گود میں جانے دے. حضرت امام حسین گھر سے نکلے اور گھوڑے پہ بیٹھے, بیٹھ کے چلے پھر میدان کی طرف. گھوڑے کو چابک پہ چابک امام دے رہے ہیں, گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں. امام نے کہا میرے غازی کیا ڈر گیا یزیدیوں سے, میرے غازی آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. گھوڑے نے نگاہ اٹھایا, آنکھوں سے اس کے آنسو گر رہے تھے اور جھرجھرو لے کے اس نے پیچھے دکھلایا, کہا امام میں کیسے آگے بڑھوں, میرے پیر میں تو محبت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, میرے آقا میں یزیدی نہیں ہوں, ذرا پلٹ کے دیکھیے سکینہ نے میرا دونوں پیر چھان لیا ہے اپنے ہاتھوں سے, اگر آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ دب جائے گی. میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا, میں سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں, پہلے میرے قدموں سے سکینہ کو نکال دیجئے, اس کے بعد میں آگے چلنے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا بیٹی محبت کی اس لازوال نعمت کو فراموش نہ کرو جو شہادت کی منزل میں تمہارے باپ کو ملنے والی ہے. بیٹی نے الوداع میرے مقدس باپ, رخصت میرے حسین, تیری بیٹی یتیمی کا داغ لے کر جی لے گی مگر اسلام کو میدان ظلم و ستم میں یزیدیوں کی تلوار کے نیچے نہیں کٹنے دے گی. آج ایک بچی اپنے باپ کو رخصت کر رہی تھی, عورتوں کو کردار دے رہی ہے سکینہ کہ کل جب تمہارے مسلم پرسن اللہ پہ کوئی وقت آئے, کل جب رسول اللہ کی شریعت پہ کوئی وقت آئے تو اے بچیو تم بھی اپنے باپ کو شہادت کے میدان میں رخصت کر دینا. زینب بہنوں کو ذہن دے رہی ہیں کہ کل جب رسول اللہ کے دین پہ کوئی کالی گھٹا چھائے تو اے بہنوں تم بھی اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہا بنا کے آگے بڑھا دینا. حضرت شہر بانو ذہن دے رہی ہیں, اے بیویو جب اسلام کا سہاگ کوئی اجاڑنا چاہے تو اپنا سہاگ اجاڑ کے اسلام کا سہاگ بچا لینا. حضرت امام حسین کربلا جا رہے ہیں, ایک ایک کردار انسانیت کی بقا کی ضمانت لے رہا ہے. میرا آقا آگے بڑھتا گیا, یزیدیوں سے جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے, تلوار چلی, حیدر کا لال کشتوں کی پشتی لگاتا جا رہا ہے. دریا میں پہنچے, پانی پینے کی منزل بھی آئی مگر امام نے کہا پانی نہیں پیئیں گے. بڑا بدنصیب تھا فرات, اگر امام کو فرات مل گیا ہوتا تو ویسے ہی آج تبرک بن جاتا جیسے اسماعیل کو زمزم مل گیا تھا اور زمزم تبرک بن گیا تھا. فرات کی قسمت نہیں تھی کہ وہ زمزم بن سکے. امام پاک پلٹے, اس قدر تیروں پہ تیر لگے کہ رسول اللہ کی شہادت جہری دنیا کے سامنے آئی. مسلسل حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے اپنی شہادت کے تذکرے زمین پہ چھیڑنے 72 تیر لگ چکے ہیں. عصر کا وقت ہو رہا ہے, کربل کی دھرتی پر شہادت کا چاند ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر کونین کو روشنی دینے والا ہے. گھوڑے سے گرے تو قبلہ رو ذہن تھا, یزیدیوں نے کہا یزید کے نام پہ بیعت کیجئے. آپ نے کہا نہیں, نماز کے نام پر بیعت کروں گا, اپنے باپ کی امانت کے نام پر بیعت کروں گا. سینے پہ شمر سوار ہوا ہے تو حسین کہتے ہیں شمر ہٹ تاکہ میں اپنے خدا کے دین کی امانت دنیا کو دے دوں اور تلوار کے نیچے سجدہ کر کے باپ کی سنت ادا کروں. امام نے سجدے میں سر رکھا اور پوچھا اپنے مالک سے, مولا نجد کے دیوانے کو تو دنیا دیکھے گی, کربلا میں اپنے دیوانے کی دیوانگی بھی تو دیکھ, کیا یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ جان دے رہا ہے حسین اور آواز آ رہی ہے آسمان سے, یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ آ، ہم تجھے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین نے عظمت اسلام کے لیے اپنے کو توڑوایا مگر عظمت اسلام کو ٹوٹنے نہ دیا. ظلم کے آگے سر نہ جھکے. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ امام علی مقام نے اپنے وجود نازنین پر تیر کھا کر ذہن دیا کہ انسانی جسم اسلام کے لیے تیر کھا سکتا ہے مگر اسلام کے جسم پر مسلمان تیر نہیں آنے دے سکتا. آج کے ماحول میں امام کی شہادت ہماری بہترین رہنما ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علی من اتبع الہدیٰ. حسین اعظم زندہ باد. مسلم پرسنل لا پائندہ باد.